तो मैं बता रहा था थोड़ी देर क्यों हुई, हर चीज देर क्यों हुई, माफी मांगने से अच्छा हंसा दें। लेट इसलिए हुआ, जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकला अंदर सिटी की तरफ, वहाँ बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ है नगर निगम वालों में, नगर निगम आपका स्वागत करता है। मैं 1.5 घंटे खड़ा हो गया, मैंने किसी को भेजेंगे एक आदमी नहीं आया भाई साहब, जब लिखा है तो आदमी तो खड़े कर रखो एक, अच्छा लखनऊ और उस तरफ लिख देंगे, बड़े आराम से लिख देते हैं, सोचते नहीं इसका मीनिंग और कुछ भी हो सकता है, लिख देंगे कृपया बाएं हाथ से चलें। किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। मैंने ट्राई किया, मेरी कोहनी छिल गई, क्योंकि कोई लिखता है तो मैं ट्राई करता हूं, मेरा ऐसा है कि उसको भाई नजराना पेश होना चाहिए उसको। और एक तो कमाल लिखा होता है, पटना में लिखा हुआ बाहर, सच्चे देशभक्त बनिए। हमने कहा सच्चे देशभक्त सिर्फ बनिए, सिंधी नहीं, यादव नहीं, मोमेडन नहीं, सिख नहीं, सच्चे देशभक्त सिर्फ बनिए। बोले बाबा सही लिखा है यार, तू ध्यान क्यों दे रहा है, तेरे को नहीं पसंद है तो पेशाब कर। हमने कहा गलत चीज लिखी ना, सबके लिए लिखे हैं बराबर, एक कम्युनिटी के लोग क्यों बोल रहे हैं। और लेकिन बनिए लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं बनिए, बहुत प्यारे प्यारे लोग होते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर, कभी ये लोग मारपीट नहीं करते नॉर्मली। तभी आप देखो जल्दी कोई बनिए आपको आर्मी में नहीं मिलेगा, आपने देखो देखा होगा सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, आज तक आपने सुना कभी है? हाँ हाँ बनिया, अगर ये हो तो कैसा हो, पता चला मोदी जी सलामी लेने के लिए खड़े हैं और बनिया रेजिमेंट आ रही पीछे से, सब 250 के लोग चले आ रहे हैं। सब चले आ रहे हैं और आधे रास्ते आएंगे, आधे रास्ते बाद इस साल मोदी जी बहुत दूर खड़ा हो गया